स्वागत है आपका। लाइव 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गोलीबारी की गई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने शनिवार सुबह बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी हीरानगर सेक्टर में हुई है, जिसमें पाक रेंजर्स ने आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बीएसएफ सूत्रों की माने तो इस गोलीबारी में कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि मानवीय क्षति की कोई भी खबर नहीं है। बता दें, पाकिस्तान लगातार मुंह की खान के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इससे पहले 9 फरवरी को भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया था। उधर पूर्व आईएएस शाह फैसल पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। शाह फैसल पर प्रशासन ने पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपल मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शाह फैसल को पिछले साल 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। बता दें, बाद में उन्हें कस्टडी में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। अभी यह तय नहीं है कि शाह फैसल को उनके घर में शिफ्ट किया जाएगा या एमएलए हॉस्टल में ही रखा जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर देश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। चेन्नई के वाशर मेटपेट में सीएए एनआरसी के विरोध में भारी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद सैकड़ों लोग अन्ना सलाई में माउंट रोड दरगाह के पास विरोध प्रदर्शन करने लग गए। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उधर प्रदर्शनकारी खेमा भी अपने खेमे से कुछ लोगों को जख्मी बता रहा है। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उनकी रिहाई के लिए लोगों ने नारेबाजी की, बाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप अर्दोगान ने शुक्रवार को पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान एर्दोगान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनके देश के लिए भी उतना ही अहम है। राष्ट्रपति एर्दोगान 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे थे। अब भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति को सख्त लहजे में आपत्ति जताई है। भारत ने पाकिस्तानी संसद में तुर्की के राष्ट्रपति के संबोधन में जम्मू कश्मीर के सभी संदर्भों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तुर्की भारत के मामले में हस्तक्षेप ना करें। उधर दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को रविवार को नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आदेश देने के लिए आम आदमी पार्टी विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक सर्कुलर के अनुसार शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल शिक्षकों, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स और संरक्षक शिक्षकों को
शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक परिपत्र जारी किया है। अब इसे लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, कपिल मिश्रा ने लिखा है, सरकार के शपथ ग्रहण में टीचर्स आए ये अच्छी बात है, लेकिन सरकारी ऑर्डर निकालकर जबरदस्ती टीचर्स को लाया जाए, टीचर्स की हाजिरी रामलीला मैदान में लगाई जाए, ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। शपथ ग्रहण को ऐसे अनावश्यक ग्रहणों से मुक्त रखना चाहिए। जहां कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं शहीद सैनिकों को लेकर भी बयान दिया है। उदित राज ने कहा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले लोग अक्सर उच्च जाति के होते हैं। जिन सैनिकों ने मुख्य रूप से हमले में अपनी जान गंवाई, वे दलित, आदिवासी और पिछड़ी समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा, हाशिए पर खड़े समुदाय को सत्ताधारी सवर्णों की देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। उदित राज ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि साल 2024 से पहले एक और पुलवामा अटैक हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा पूछे सवाल बिल्कुल सही है, पुलवामा हमले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर पुलवामा हमले पर 3 सवाल पूछे। उन्होंने ट्वीट किया, आज जब हम पुलवामा के 40 शहीदों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए कि पुलवामा आतंकी हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हुई जांच से क्या निकला, सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद और नई दिल्ली में रहेंगे। ट्रंप की इस यात्रा पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र में केंद्र सरकार को नसीहत दी है। शिवसेना ने लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमौजी व्यवहार के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। 10 दिन बाद भारत के दौरे पर आने से पहले ट्रंप ने फिर से एक बार अपनी उसी अदा का परिचय दिया है। इस बार उनका ये व्यवहार उनके बोलने से नहीं बल्कि उनके कृत्य से सामने आया है। भारत में ट्रंप का जोरदार स्वागत करने के लिए कालीन बिछाई जा रही है। इस दौरान अमेरिका ने विकासशील देशों की सूची से भारत का नाम हटा दिया। सामना ने लिखा कि विश्व व्यापार संगठन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि समिति ने विकासशील देशों की सूची से भारत का नाम अलग कर दिया है। इसे भारत के लिए बड़ा आर्थिक झटका कहा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी स्वागत समारोह की तैयारियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के इस दौरे से भारत और अमेरिका का संबंध प्रगाढ़ होगा, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही थी। ट्रंप ने मिठाई की जगह वैश्विक व्यापार क्षेत्र में भारत को झटका देने वाले कड़वे करेले का पिटारा भारत को भेंट कर दिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए भारत में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे के लिए काफी उत्साहित है। शनिवार को उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, भारत जाना उनके लिए सम्मान की बात है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के आने की खुशी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि दोनों ने भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत करने की भी बात कही है। हालांकि हाल ही में मार्क जुकरबर्ग ने भी डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक पर नंबर 1 और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को नंबर 2 पर बताया है। उधर सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार के काफिले पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने कन्हैया कुमार की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया। हमले में कई लोग घायल भी हुए। कन्हैया सीएए के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा पर हैं, यानी कि वो अलग अलग राज्य में जाकर यात्राएं और रैलियां संबोधित कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा का विरोध करते हुए यह हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब कन्हैया आरा में आयोजित एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। उनके काफिले में 5 गाड़ियां थी और उनके साथ कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान भी मौजूद थे।
उधर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की फॉर्च्यूनर गाड़ी उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम के मकान के बाहर उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई थी। चोरों ने गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीए कानून का विरोध कर रहे लोगों को कहा है शांतिपूर्ण तरीके से किसी कानून का विरोध कर रहे लोगों को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है। ये बातें बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीएए प्रदर्शन के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों से सीएए के प्रावधानों के उल्लंघन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने कहा चूंकि लोग किसी कानून का विरोध करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए उन्हें देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। ये सीएए की वजह से सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का कार्यकाल चल रहा है तो वहीं यूपी सरकार के काम करने के तरीकों, किसानों की आय और महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष दल योगी सरकार पर हमलावर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी सरकार यूपी की जनता को सुशासन देने का वादा कर सत्ता में आई थी लेकिन अब यूपी सरकार के सुशासन व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि योगी सरकार के शासनकाल में युवा बेरोजगार हैं, किसान कर्जदार है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बेपरवाह है। योगी सरकार के कामों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है योगी सरकार उसे जेल में बंद कर देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार यूपी के सड़कों को गड्ढा मुक्त होने का दावा करती है लेकिन यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आड़ में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। आज जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ या सरकार के अनुसार नहीं चलता, गोरखपुर के डॉक्टर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं, कई लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं जो सरकार की मंशा पूरी नहीं करते, सरकार उनका दमन करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इनके पिरोड़ी उप मुख्यमंत्री एक बात को कहते हैं, पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। लेकिन जो मामले प्रकाश में आए हैं गड्ढा मुक्ति के नाम पर, इन्होंने लाखों किलोमीटर गड्ढा मुक्ति दर्शाया है लेकिन असल में देखें तो लाखों किलोमीटर गड्ढा मुक्ति की बात की गई है, उसमें भ्रष्टाचार करोड़ों में हुआ है। विधानसभा में सपा पार्टी से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद सिंह ने योगी सरकार पर सीए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी सरकार अत्याचार पर उतारू हो गई है, शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सरकार अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के मन में पत्रकार को लेकर डर बैठ गया है, सरकार पत्रकार और मुसलमानों से डरती है। कि मन में दो चीज का आतंक भर गया है, पत्रकार का, मुसलमान का, पाकिस्तान का, कोई बात हो पाकिस्तान। अब पत्रकार भला बताइए, कलम का सिपाही पत्रकार है आकि रिवाल्वर का सिपाही पत्रकार है? सरकार अत्याचार पर उतारू हो गई है। लगता नहीं है कि हम हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में हैं, ऐसा लगता है कि फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। हम लोगों ने उठाया था कि 19 तारीख को हमारा प्रदर्शन था, धरना था शांतिपूर्वक। भारतीय जनता सरकार के इशारे पर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन में अंदर घुस करके तोड़ फोड़ आगजनी किया, धरना प्रदर्शन को बदनाम करने के 1920 को।
यूपी में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्होंने यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सरकार से चर्चा का अनुरोध किया था, लेकिन कानून जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कि ये सदन उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं का आदर और सम्मान करने के लिए बना, और हम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी समस्या को उठाएं, और उत्तर प्रदेश में खासकर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा सबसे बड़ी एक चिंताजनक विषय है। अगर ये सरकार उस गंभीर विषय पर भी चर्चा नहीं करना चाहती तो इस सरकार के चाल चरित्र चेहरे उत्तर प्रदेश के सामने उजागर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी ने 311 के अंतर्गत सदन में कानून व्यवस्था के गंभीर सवाल पर चर्चा करना चाहा, लेकिन ये सरकार पिछली पद्धति को अपनाते हुए कानून व्यवस्था पर चर्चा से भागने का काम किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 का एनसीआरबी रिपोर्ट एनसीआरबी ने जारी किया है, लगभग 56,011 मामले दर्ज किए गए हैं कुल अपराध के, महिला अपराध के, यानी उत्तर प्रदेश में महिला अपराध सबसे एक नंबर पर है पूरे देश में। वहीं कांग्रेस के विधायक अनुराधा मिश्रा ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ के कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में जब कोर्ट जैसी जगह सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे। देखिए, जिस तरह से कल लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, कचहरी में जिस तरह से बम कांड होता है, जिस तरह से वकीलों पर बम चलाया जाता है और उस बम में कई वकील घायल भी होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बिजनौर की घटना हुई थी जहां बिजनौर कोर्ट में गोली से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी जज के सामने। उससे भी सरकार ने कोई सीख नहीं ली। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की सरकार को बेनकाब करेगी और तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार इसकी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं हो जाती। विधानसभा के बजट सत्र में यूपी कानून व्यवस्था को लेकर सभी विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। खास बात यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान सभी विपक्षी दल एकजुट होकर योगी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24। चलिए आपको बता दें कि बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी दिन हंगामेदार हुआ और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। खैर, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ क्या गरीबों तक पहुंच रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का एक गाँव ऐसा है जहां पर 100 घर ऐसे हैं जो अभी कच्चे हैं। मजरा हैदरपुर गांव में लाभार्थियों से आवेदन के नाम पर पैसे तो ले लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो उनको पक्का मकान अब तक नहीं मिला है। अब तो और इस गांव के लोग शौचालय से भी वंचित है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई है। तो सब लोग पूरा गांव हम लोग तो रोवे गावे चौमास में लगी थी, जब नाए देते हैं तो कहाँ हम लोग करी बताओ, कहाँ कोई मारे लगी बाकी कोई खींचे लगी भाई, बताओ पहले। शौचालय बना है? शौचालय बना है, मगर सास मेरी अलग है, उनका बना है, हमारा ना बना है। प्रधान से तो कही, प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने कहा दे देंगे और दिया गया। सेक्रेटरी से कहते हैं? सेक्रेटरी साहब मिल नहीं पावत है, ना आ भी पावत है। तो कहे तो है रुपये ले, हजार है साहब। हजार रुपया ले गए? तो वो किस बात के हजार? आवास दे पर आवास, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हजार ले गए। कितने लोगों से ले गए साहब? पता नहीं कितने लोगों से ले गए। नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं सुनता, प्रधान भी नहीं सुनता। सेक्रेटरी साहब ने कहा? उनसे भी कहा था, आए थे यहाँ फुटू उठू चले गए, बस पड़ा है, सुनते ही नहीं। खंड नकहा के ग्राम पंचायत रवही के मजरा हैदरपुर के प्राथमिक विद्यालय में खड़ा हूँ। यहाँ पे जब हमारी लाइव 24 की टीम हकीकत जानने आई तो विद्यालय की जो तस्वीर सामने आई
उस तस्वीर को देख करके हमारे एजुकेशन सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि जब हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग और ग्राम सभा निधि लगभग भरपूर पैसा विद्यालय के डेवलपमेंट और विद्यालय के विकास के लिए दे रहा है, तो मौके पे मैंने जब मुआयना किया तो हमने ये देखा कि विद्यालय की स्थिति यह है कि विद्यालय परिसर के अंदर ऐसा गड्ढा नुमा, तालाब नुमा परिसर दिख रहा है जहाँ पे बरसात के समय में पूरे विद्यालय में पानी भर जाता है। उस वक्त यहाँ की पढ़ाई लिखाई बच्चे कैसे करें, पानी में बच्चे पानी को पार करके और विद्यालय की बिल्डिंग में क्लास में प्रवेश करते हैं। इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने प्रधान से कई बार किया, संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के भी संज्ञान में डाला, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की लचर कार्य व्यवस्था के चलते, उनकी प्रणाली के चलते अभी भी यहाँ की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। जबकि बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए भी जो संज्ञान में हमारे आया है कि 1.5 लाख या 2 लाख का बजट इशू किया गया, दिया गया, वो 1.5 लाख 2 लाख बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन का बजट कहाँ चला गया? विद्यालय परिसर के अंदर जो गड्ढा नुमा परिसर बना हुआ है उसमें मिट्टी डलाने का भी पैसा आया, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। शिक्षकों ने अपने पास से 1-2 ट्राली मिट्टी अपने जेब से डलाई और अपने हाथों से उन्होंने इस परिसर को थोड़ा सा सामान्य करने की कोशिश की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा व्यवस्था को जिस पर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, क्या संबंधित ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि इस बारे में क्या करते हैं और हमारे अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेते हैं, इस पर एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं? कैमरा पर्सन कमल मिश्रा के साथ अनिल सिंह राणा, Live24 लखीमपुर खीरी। उधर बरेली के बेड़ी में 2 फौजियों ने रिटायर्ड फौजी का अपहरण करने की कोशिश की। दरअसल गाँव पिंडारी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी डालचंद्र का कहना है कि रात में कुछ लोग बुलेरो गाड़ी से आए और गेट पर खड़े होकर आवाज देने लगे, जिसे सुनकर डालचंद्र बाहर निकल आए तो आरोपियों ने डालचंद्र का मुंह ढककर अपहरण करने की कोशिश की। रिटायर्ड फौजी के हंगामा करने के बाद परिजनों ने घटना के बारे में बेहड़ी कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर नैनीताल बरेली हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर रिटायर्ड फौजी को छुड़वाया। वहीं 2 फौजियों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो बलिया में सीएमओ द्वारा निर्भया के परिजनों से की गई वसूलूकी और निर्भया पर की गई टिप्पणी पर नाराज छात्रों ने सीएमओ को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें, छात्र सीएमओ को जूतों की माला पहनाने उनके कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय में सीएमओ को ना पाकर वहां धरने पर बैठ गए और उनकी बर्खास्तगी की मांग करने लगे। छात्रों का कहना है कि अगर सीएमओ को बर्खास्त नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नारेबाजी करके बलिया सीएमओ को जूते की माला पहनाने के लिए मामला यह है सर, विगत दिनों नरही ग्राम नरही के पास मड़वारा गांव में निर्भया के नाम पे एक अस्पताल बना है, जिस गांव की निर्भया थी उसके नाम पे 2012 में पिछली सरकार द्वारा अस्पताल बनाया गया और उस अस्पताल को बने 3 साल हो गए, लेकिन उस अस्पताल में जन समस्याओं को लेकर वहाँ की कोई भी मूलभूत समस्याओं के लिए कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई। विगत दिनों से निर्भया के दादा वहाँ के ग्रामीण लोग द्वारा अनशन चलाया जा रहा था। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन से महाप्रबंधक राजीव चौधरी बांदा पहुंचे, वहां पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही कैमरा कंट्रोल रूम सहित रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का फीता काटकर अनावरण किया। महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने शिविर में अपना हेल्थ चेकअप भी करवाया, तो वहीं बांदा के ए श्रेणी के स्टेशन की बेहतर व्यवस्था और स्वच्छता और रखरखाव देख खुश हुए तो ₹10,000 के पुरस्कार से सम्मानित भी किया। महाप्रबंधक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्लेटफॉर्म में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट लगवाई जाएगी, साथ ही उन्होंने कहा कि निर्भया फंड से यहां पर महिलाओं के सुरक्षा के लिए 40 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिससे महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना ना हो।
उसकी कार्यशीलता की जांच करके हमको ऑफिस भेजता है कि सुझाव कारण लायक है कि नहीं, उस तरह काम इसमें करते हैं। सर आपके जाने के बाद सर समस्या फिर उससे जब आती है वो गलत है, उसका वो ना हो ऐसा वैसा हो सर। आप आए देखें कि तो मतलब आपके आप लिए जो है बहुत कुछ सुविधा कर दी गई है, लेकिन दो दिन बाद सर फिर वही हो जाती है। उधर हमीरपुर की मोदहा कोतवाली के मोहल्ला हुसैनगंज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जियो के टावर में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। बता दें आग इतनी भयानक थी कि पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें टावर में आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए की मशीनें और जनरेटर जलकर खाक हो गई। पता नहीं सात तरीके से लग गई, जब पता चला लोगों ने फोन किया तो आके जल रहा था, इसको बुझाया गया पानी डाल के लोगों ने। बस दो देर पहले धुआं हो रहा था बहुत ज्यादा, फिर उनके जिनके लगा है उनको उनको बुलाने गए, फोन किया पहले उनको, फिर उसके बाद ताला लग खोला, मैंने कहा भैया चल ये टक्कर खड़ा है, फिर उन्होंने निकाला ही ताला, फिर उसमें थोड़ी देर बाद आ गई बहुत ज्यादा आग लगी थी, फिर उनको बरकरार गए। दूसरी ओर कासगंज के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव नागर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नवविवाहिता दुल्हन ने पहली ही रात को अपने पति और उसके परिवार वालों को दूध में नशीला पदार्थ देकर घर में रखी 1.5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गई। बता दें नशे का असर कम होने के बाद परिजनों ने डायल 112 पुलिस को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पीड़ितों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रियंका जी आप कहां की रहने वाली हैं? नागर की, ठीक है। ये क्या घटना घटी है ये इस घर में? सब लोगों को नशा दे दिया गया था। किसने दिया था नशा? ये जो हमारी जेठानी आई थी उन्होंने ही दिया था। अच्छा, तो ये शादी करके कहाँ से लेके आए थे आपके ये जेठ? जी, फिर क्या हुआ, किस तरीके से ये घटना घटी है? दूध के साथ दे दिया था सबको नशा। जी, फिर आपको कैसे जानकारी हुई? हमको तो सुबह उठे तभी जानकारी हुई थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव 24, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।